बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें हमारे मित्र गोविंद नामदेव जी हिटलर नज़र आ रहे हैं, तो कुछ खास देखने को मिलेगा, मुझे इसका विश्वास है। और मज़े की बात है कि हमारे साथ जो हैं वाइन अरोड़ा, ये नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, वाइन, तो जो वाइन है वो तो फाइन काम ही करेंगे तो काम इनका फाइन होने वाला है। और मैं इसके लिए, इस फिल्म के लिए गोविंद नामदेव जी को और पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि फिल्म लोग देखें और हिटलर के बारे में जो इसमें मज़ेदार बातें हैं, मज़ेदार उनका जीवन इसमें देखने को मिलेगा आपको, उसको देखिए और उसका मज़ा लीजिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अनूप सर से सपोर्ट मिल रहा है, सुनील पाल जी यहाँ पर हैं, आपको लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट है? ये बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडस्ट्री में। अनूप जी ये इतने सीनियर हैं, बताए, आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑनर्ड। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा हूँ कि आज ये हमारे साथ हैं, इनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, और अब इनकी शुभकामनाएं साथ हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता और मीडिया से हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, ये सब हमारे दोस्त हैं जितने। हम लोग मेहनती हैं, हम सिर्फ बनाते हैं फिल्में अच्छी, उनको चलाने वाले दो लोग होते हैं, एक जनता होती है और दूसरा आप मीडिया लोग। मीडिया, बिल्कुल। अगर आप लोगों का हाथ हमारे सिर पर रहा तो फिल्म को चलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल सच्ची बात है, ज़रूर चलेगी। सर, आपको लगता है कि इन दिनों कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का बहुत ज़रूरत है और ये इस तरह वही चलती हैं फिल्में आज, वही चलती हैं जिसमें कुछ हो अंदर। केवल आज हीरो हीरोइन के फेसेस से फिल्म नहीं चल रही है। अब देखिए फिल्म आई हिंदुत्व, हिंदुत्व ने तूफान मचा दिया ना, हिंदुत्व लोग देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कंटेंट है उसमें, एक संदेश है। तो इस तरह की फिल्में ही आगे आएंगी और चलेंगी, आगे भी देखिएगा। सर की हिंदुत्व फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को ज़रूर प्रमोट करें और ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाकी सर, जब भी अनुपम, हालांकि मिलना बड़ा कम हुआ है, लेकिन जब भी इनसे मिला हूँ, इनका आशीर्वाद लिया और इनसे जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना एकदम से, वो और किसी से मिलने से आज तक कभी नहीं आई इंडस्ट्री में मुझे। तो अनूप सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और फिर से मुझे पॉजिटिव एनर्जी दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। फिल्म जो है एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है और गोविंद जी इसलिए आए क्योंकि गोविंद जी एग्जैक्ट मैच करते थे कैरेक्टर से और उन्होंने जिस तरीके से निभाया, हमें लगा कि हम 1940 में जो वर्ल्ड वॉर है उसके जो ओरिजिनल हिटलर जी हैं वहाँ पहुँच गए। आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप देखोगे जिस तरीके से इन्होंने निभाया है, आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि किसी तरीके से हमने दोबारा खींचा है, हिटलर को वापस लेकर आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए। फिल्म में मैं इस फिल्म से जुड़ी हुई दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके आधार पर मैं इस फिल्म को देखना चाहिए ऐसा है, मैं मानता हूँ। मैंने कल फिल्म देखी है और मैं बहुत इम्प्रेस हो गया इस फिल्म से। पहली बात तो ये है कि ये एक नॉर्मल रूटीन फिल्म नहीं है कि सीधे सीधे कहानी को कह दिया और सबके समझ में आ गया। ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। आजकल फिल्म मेकिंग में एक्सपेरिमेंट्स का एक अच्छा खासा दौर चल रहा है। जब से OTT आया है, हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी वेलकम मिल रहा है, शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा, वेब फिल्म्स के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा। उसी से प्रेरित होकर ये फिल्म मुझे लगता है हमारे सामने आई है। दूसरे, ये फिल्म एक 14 साल के बच्चे को सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द बनी गई है उसकी कहानी। सो ये फिल्म एक चिल्ड्रन फिल्म के तौर पर ट्रीट की जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आप बताएं, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बच्चों के द्वारा एक पूरी दुनिया के बड़ा मैसेज इसके इस फिल्म के द्वारा इस फिल्म में है। तीसरे, ये फिल्म बहुत ही लिमिटेड बजट में बनी है,
सब लोगों ने हर तरह से सहयोग किया है। सो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यूज भले ही इसमें ना देखी, लेकिन जो मैसेज इस फिल्म के द्वारा कहा गया बहुत ही सशक्त ढंग से सामने आया है सब। इसके बाद राजेश प्रसाद जी और वाइन अरोड़ा जी, ये कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकर नहीं है। राजेश जी सेंट्रल स्कूल में एक अध्यापक हैं, इन्होंने एक कहानी लिखी है, ये इनका बीबी है। इन्होंने चूंकि ये इनकी रुचियाँ इनकी इंटरेस्ट कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सृजनात्मक ढंग से ये हर चीज़ को देखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो इनका इरादा ये था कि ये जो मैंने कहानी लिखी है ये मेरे ढंग से आए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे आए, इसके लिए मैं खुद ही पैसा लगाता हूँ। और इन्होंने अपने ब्रदर को जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, और ये इस तरह से सब लोगों के से मिले। ये मैं इस फिल्म में आया है और इस रूप में राजेश जी भी सक्सेसफुल हुए हैं और हमारे प्रोड्यूसर भी सक्सेसफुल हुए हैं, हमारा डायरेक्टर भी सक्सेसफुल हुए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, मैंने भी फिल्म देखी बैठ के पूरी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उससे। इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल टीम नहीं है। हेलो, मैंने 3 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। 3 साल के अंदर मैं करीब 30 से 40 शॉर्ट फिल्में, म्यूजिक वीडियोस, तो पिछले मैंने 3 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। थोड़ा पीछे होकर बोल सकते हो। 3 साल के अंदर मैं करीब 30-40 शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस बना चुका हूँ। फीचर फिल्म में अब हमने एंट्री की है, अभी ये फीचर फिल्म है जो मार्केट में आ रही है। दूसरी एक मॉर्निंग इन कश्मीर, कश्मीर आतंकवाद पर फिल्म बनाई है, जो कि शायद 2 से 3 महीने के अंदर आएगी, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है। और अब टारगेट ये है कि प्रोफेशनल हम हैं नहीं, लेकिन हम प्रोफेशनल बन के दिखाएंगे, क्योंकि मैंने जो अनाउंस किया है कि हम हर साल मैं 3 फिल्में बनाऊंगा ही बनाऊंगा, 3 फीचर फिल्में हर साल आएंगी। तो हमारी एक फिल्म ये है, दूसरी मॉर्निंग इन कश्मीर रेडी है, जो सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन में DI रह रहा है, तो जल्दी आएगी। और तीसरी फिल्म जो है वो एक लव ट्राइंगल है, एक एज्ड बंदे का और एक जवान लड़के का और एक लड़की का, जो उस पर स्क्रीन प्ले पर काम चल रहा है, और जल्दी उसकी भी शूटिंग शुरू हो गई है। भाई, जिस फंक्शन की शुरुआत भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से हुई हो और अंत गोविंद नामदेव जी से हो, तो समझ लीजिए वो सफ़र कितना सुहाना, कितना लुभावना और कितना सफल है। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म में जो लागत लगी है, भगवान करे, ईश्वर करे, उससे 500 गुना ज़्यादा फिल्म कमाए। और हमारे वाइन अरोड़ा साहब जो है वो मतलब और तरक्की करें, है ना, यही शुभकामनाएं। गोविंद जी के तो हमसे फ़ैन है ही, तो उनका जो भी प्रोजेक्ट आता है बेसब्री से इंतजार होता है, और इस बार तो बिल्कुल हट के आए हैं, है ना। इन्होंने देसी देहाती सब रोल किए, अब अंग्रेज़ बन के आ रहे हैं, तो मज़ा आएगा, है ना। ऑल द बेस्ट। अभी तक लोगों ने सिर्फ हिटलर की फोटोग्राफ्स देखी हैं, इस फिल्म में सबको असली में हिटलर नजर आएगा, क्योंकि सिर्फ मेरे ख्याल से 1921 का ही फर्क रहेगा। 21 ये होंगे, 21 यही होंगे, असली हिटलर को माफ कर देंगे। मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि यार तो एलियंस के पीछे ही पड़ा रहता है, मतलब इन्हें उतर नहीं, उसमें भी एलियंस, अब इसका नाम एलियन प्रैंक। तो मैंने कहा यार, अब जब तक एलियन यहाँ आ नहीं जाते ना, तब तक हम फिल्म ही बना लेते हैं, कोई बात एलियंस के ऊपर ही। तो बाकी इस फिल्म में गोविंद जी हैं, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि अभी गोविंद जी ने जिस तरह पूछा अमर, मैं कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है, तो मैं गोविंद जी को बताना चाहूँगा, जहाँ आप हो वहाँ कन्फ्यूजन है ही नहीं, आप जैसे लेजेंड जहाँ पे हो वहाँ पे सक्सेस ही रहती है, कन्फ्यूजन का मैटर ही नहीं है कुछ। तो मैं पूरी टीम का, गोविंद जी का, सुनील जी यहाँ, इन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि फिल्म बड़ी सक्सेसफुल होगी।
घर लिया था वो थरथरा के रोने लगी, तो ऐसा कुछ मेमोरी है हमारा, तो ये फिल्म आप लोग को बहुत पसंद आएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ये फिल्म ऐसी है इसको बीच में छोड़ नहीं सकते। इस फिल्म को पूरी तरह से समझना है तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक एक डायलॉग कहीं ना कहीं या तो आगे से कनेक्टेड है या पीछे से कनेक्टेड है, तो ये एक सीक्वेंस में चल रही है पूरी फिल्म। सबसे पहले तो पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ी पहले मैंने बोला भी था कि जितने इंडस्ट्री के विलन हैं और सारे बड़े प्यारे नेचर के हैं। अभी चार पांच दिन पहले ही मैं बात बताता हूँ, मैं सर के साथ एक प्रोग्राम में था जिसमें जैकलिन जी भी थी और सर थे, तो मेरी वाइफ रील पे वीडियो बनाती रहती है बीच में, तो कभी कभी उनके साथ में आ जाता हूँ, तो मेरी वाइफ बोलती है आपकी दाढ़ी सफ़ेद है, सब लोग मैसेज करते रहते हैं कि थोड़े बहुत ज़्यादा एज है, बहुत ज़्यादा एज है, तो आप दाढ़ी काली कर लो। तो मैंने बोला तीन चार दिन बाद दाढ़ी काली करता हूँ। तो उस प्रोग्राम में सर मिल गए, सर से मुलाकात हुई, तो सर बोले यार आपका लुक बड़ा प्यारा लग रहा मुझे। तो सर ने खुद बोला, जबकि मेरी सर से खुद बात करने की इच्छा थी, लेकिन कभी इंडस्ट्री ऐसी है ना तो आदमी सामने जाकर कभी कभी बात नहीं कर पाता, कैसा लगता है कि बुरा न लग जाए यार प्रोग्राम में लगे हुए। सर ने सामने से मुझे रोका और मुझसे बात की कि यार बड़ा प्यारा लुक लग रहा है तुम्हारा, मुझे बुलाओ एक साथ में फ़ोटो लेते हैं। तो मैंने तुरंत सर के पैर दिए, मैंने बोला सर हम तो आपको देख देख के बड़े हुए हैं और आपने ऐसा कह दिया, मेरा कॉन्फिडेंस अलग बढ़ गया। तो जिस फिल्म में एक्टर इतने प्यारे इतने सज्जन हो और जो प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहे हो, खास तौर से एक्टर और प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहे हो, बनने के बाद जब पिक्चर कंप्लीट हो जाए तो हम लोग पिक्चर सुपर डुपर हिट जाएगी। देखिए जैसा कि पहले भी अभी हेलो जैसे कि नामदेव सर जो है अभी बता रहे थे कि ये मूवी जो है इसको समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है, दो शब्दों में मैं बोलूँगा तो शायद एक बार आप मूवी देखेंगे इसके बाद आपको गूगल करना पड़ेगा, गूगल करके कुछ चीज़ें समझेंगे, इसके बाद दोबारा ये मूवी देखेंगे तभी आपको मूवी पूरी समझ में आएगी। इसका सार बताओ आप कुछ बोलना चाहें। ये लड़का है वो, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सुनील सर का, गोविंद सर का। तो मेरा क्या है कि अभिनेता को फिल्म के बाद बात करनी चाहिए, आप उसका इंतज़ार करिए, फिल्म आती है आप सभी देखिए, उसके बाद क्या रिएक्शन आते हैं उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी आपने ट्रेलर देखा, कंसीव एंड रिटर्न बाय राजेश प्रसाद, कंसीव शब्द मैंने बहुत सोच में डाला था ताकि मुझे लगे कि सब कुछ मेरा ही है, बाकी तो मेरे सहयोगी है, मेरे साथी है, लेकिन बाद में यह लगा कि कोई किसी का नहीं है, सब कुछ सब लोगों का होता है, लेकिन लिखने की जो अहंकार आता है उस अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए मैंने उसको कंसीव्ड लिखा था, फिर बाद में हटा नहीं पाया, वही रह गया, कोई बात नहीं, खैर अगली बार देखेंगे। ये फिल्म हमने बहुत ही लगन के साथ मेहनत साथ बनाई है और जितनी भी हमारे भीतर सृजनात्मक क्षमता थी, क्रिएटिव करने की कुछ इच्छा थी, उससे हमने करने का प्रयास किया है बहुत ही कम संसाधनों में। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म को जनता का, लोगों का, विशेष किशोरों का अधिक से अधिक प्रेम मिले, तमाम विद्यालयों के बच्चे इसको देखें, कम से कम जो क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, देखें इसे, जैसा पहले मैंने कहा एक बार देखें बार बार देखें, अच्छी लगेगी, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग ना भी लगे अगर तो हमारे साथ जब रहती तो अच्छी लगने ही लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद सर।